जापान में एक बार फिर भूकंप के कारण धरती डोल उठी है। गुरुवार को फिर दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है। कुदरत ने एक बार फिर अपने गुस्से का प्रकोप जापान पर निकाला। एक बार फिर से जापान दहल गया है। मैं हूं आपके साथ बरकत। आज आपको जापान में आए भूकंप और जापान में इतने ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं और वो खौफनाक मंजर जब भूकंप से तबाही पूरे जापान में मच गई थी, आज इस वीडियो में बताएंगे। जापान में भूकंप आना मानो स्वाभाविक हो चुका है। एक बार फिर से जापान में 7.1 तीव्रता के स्केल के झटके महसूस हुए हैं। भूकंप का केंद्र क्योशो द्वीप बना। मौसम विभाग ने सुनामी की एडवाइजरी भी जारी कर दी है। वहीं भूकंप के कारण सड़कों, ऑफिसों और घर में रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया। कई घर तहस नहस हो गए। भूकंप के झटकों के बाद मियाजाकी, कोची, ओइटा समेत कई अन्य शहरों में सुनामी की एडवाइजरी जारी की गई है। भूकंप के झटके इतने ज़ोर से महसूस किए गए हैं कि कई जगह ज़मीन फट गई। ऑफिस और घरों में रह रहे लोग खुद को बचाने के लिए भागने लगे। कुछ स्थानों पर झटका ना झेल पाने के कारण घर भी तबाह हो गए हैं। जिस समय जापान में भूकंप आया, सड़कों पर चल रही गाड़ियां भी ठहर गई। ऊंची ऊंची इमारतें जोर जोर से हिलने लगी। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि शॉपिंग मॉल का सामान, कुर्सियां, पंखे और टेबल झोले की तरह हिलने लगे। ऐसा भूकंप जापान के लोगों ने पहली बार नहीं देखा है। इससे पहले भी जापान में भूकंप आ चुके हैं। इससे पहले 1 जनवरी को जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें 318 लोगों की मौत हुई थी और 1300 लोग घायल हुए थे। इशिकावा में भूकंप से कई जगहों पर आग लग गई थी। इससे 2000 इमारतें जलकर खाक हो गई थी। और सबसे खतरनाक जापान का वो भूकंप जब मार्च 2011 में जापान की धरती को असली कुदरत का कहर देखने को मिला था, जिसमें 16,000 लोगों की मौत हो गई थी। भूकंप के बाद जापान में सुनामी को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी जाती है और सुनामी की चेतावनी के बाद पूरे जापान में फिर से खौफ का माहौल पैदा हो गया है। ये सुनामी जो है, सुनामी के बारे में कैसे पता लगता है, कैसे पता लगाते हैं ये खतरा बढ़ सकता है, तो चलिए बताते हैं। दरअसल जापान के सुनामी वार्निंग सिस्टम के मुताबिक अगर भूकंप के बाद सुनामी की एडवाइजरी या अलर्ट जारी होता है और इसके बाद समंदर में 1 मीटर ऊंची लहरें उठती है तो इसे सुनामी कैटेगरी में रखा जाता है। इनकी ऊंचाई बाद में 3 से 5 मीटर भी हो सकती है। अगर 5 मीटर तक लहरें उठती है तो इसे मेजर सुनामी कैटेगरी में रखा जाता है। जापान के मौसम विभाग ने कहा है कि अभी खतरा टला नहीं है। विभाग ने चेतावनी दी है कि भूकंप की और ज़्यादा लहरें आ सकती हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि 2 बड़े भूकंप पहली बार एक साथ आए हैं। जापान अक्सर भूकंप के झटकों का केंद्र रहा है। माना जाता है कि जापानी द्वीप समूह ऐसे इलाके में हैं जहाँ कई महाद्वीप है और महासागरीय प्लेट आपस में मिलती है, इसी के कारण अक्सर भूकंप आते हैं। एक सवाल ये भी है कि जापान में इतनी तबाही क्यों होती है। भूकंप के लिहाज से सबसे सेंसिटिव एरिया जापान में है, यहाँ भूकंप आते रहते हैं। जापान में रिंग ऑफ फायर ऐसा इलाका है जहाँ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ ओशियानिक टेक्टोनिक प्लेट्स भी मौजूद हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराती है तो भूकंप आता है। इनके असर से ही सुनामी आती है और वॉल्केनो भी फटते हैं। दुनिया के 90% भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं। ये क्षेत्र 40,000 किलोमीटर में फैला है। दुनिया में जितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनमें से 75% इसी क्षेत्र में। तो यही वजह है जापान में इतनी ज़्यादा तबाही का मंजर पेश आता है। लेकिन इस बार भी जिस तरीके से भूकंप जापान में आया है, झटके इतने ज़्यादा तेज है जिससे काफ़ी जान और माल का नुकसान हुआ है। आपके लिए जापान के ऊपर ये भूकंप और सुनामी की रिपोर्ट कितनी ज्ञानवर्धक रही हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।